हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आलाफ यू गुड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने किसी भी यूपीआई ऐप से किसी को गलत नंबर पर पेमेंट कर देते हैं या किसी गलत यूपीआई नंबर पर पेमेंट कर देते हैं या गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हैं, तो आपको अपने पैसे वापस कैसे लेने हैं। जहाँ आप गूगल पे से, पेटीएम से या फ़ोन पे से किसी को भी गलत यूपीआई नंबर पर या गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको अपने पैसे कैसे वापस लेने हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज इन देयर। सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, गूगल पे का हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, फ़ोन पे का हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा और पेटीएम का हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, जिनसे आप उनसे संपर्क करके अपनी जो ट्रांजैक्शन आपने किसी को की थी गलत नंबर पर, वो आप अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं। सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आगे का डिटेल आपको अपने फ़ोन में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको गूगल पे के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने गूगल पे से किसी को गलत यूपीआई आईडी या गलत बैंक अकाउंट नंबर पर पेमेंट कर दी है, तो आपको उसको वापस कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे को ओपन कर लेना है। तो गूगल पे को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर अपना लोगो देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको इसे क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो नेम होगा और आपका नंबर और आपकी जो यूपीआई आईडी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको इसे क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे हेल्प एंड फीडबैक वाला, तो सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तीन और, गेट हेल्प, सेंड फीडबैक, राइस बीपी पीएस डिस्प्यूट। तो सिंपली आपको गेट हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों गूगल पे का जो हेल्प एंड सर्विस का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको इसे क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो कि गूगल पे का नंबर है जो मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है, तो सिंपली आपको इसी नंबर पर कॉल करके अपना जितनी भी आपने गलत यूपीआई आईडी पर या गलत बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो सिंपली आपको इसे कॉल करके अपनी ट्रांजेक्शन वापस ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सो फ्रेंड्स, ये हो गया गूगल पे का। आगे मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम का आपको वापस कैसे लेना है। सो फ्रेंड्स, आगे आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको फिर से पेटीएम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो आपको मैं पेटीएम का हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, जिससे आप उनसे कॉल करके अपने ट्रांजेक्शन अपने पेटीएम अकाउंट में या बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा पेटीएम का हेल्पलाइन नंबर, जिस नंबर पर कॉल करके आप अपने ट्रांजैक्शन वापस ले सकते हैं, अपने पैसे अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पेटीएम का, और आगे मैं आपको बताता हूँ फोन पे का। सो फ्रेंड्स, अगर आप फोन पे के एप्लीकेशन के थ्रू उनका हेल्पलाइन सर्विस बोर्ड का नंबर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो मैं आपको यहाँ पर फोन पे का हेल्पलाइन सर्विस बोर्ड का नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो आप वहीं से उनसे कॉल करके अपना पैसे अपने अकाउंट में वापस करवा लीजिएगा, जितने आपने किसी के गलत अकाउंट नंबर पर या गलत बैंक अकाउंट नंबर पर आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।